सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटर्स की दो मेजर कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले आता है एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर। इसमें क्या किया जाता है कि एयर को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर उस एयर को रेस्पिरेटर्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर में और कौन सी कैटेगरीज आती है। तो पहला है एयर प्यूरिफाइंग डिस्पोजेबल पर्टिकुलेट मास्क, यानी कि ऐसा मास्क जो एयर को प्यूरिफाई करेगा और बाद में उसका यूज होने के बाद आप उसको डिस्पोज भी कर सकते हो। सेकंड आता है एयर प्यूरिफाइंग हाफ मास्क रेस्पिरेटर्स। खास तौर से इस रेस्पिरेटर का इस्तेमाल जब भी आप कोई केमिकल हैंडल करते हो उस दौरान आपको ये हाफ मास रेस्पिरेटर काम में आता है। फिर आता है एयर प्यूरिफाइंग फुल फेस मास रेस्पिरेटर। इस रेस्पिरेटर में आपका जो पूरा फेस है वो कवर हो जाता है। फिर आता है गैस मास्क, जहाँ पर भी मान लो कि गैस लीकेज हुई है और वहाँ पर इमरजेंसी में कुछ काम करना है तो उस दौरान आपको गैस मास्क का इस्तेमाल करना है। फिर आता है पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, यानी कि उस रेस्पिरेटर में पावर के माध्यम से एयर को प्यूरिफाई करके आपको एयर सप्लाई की जाती है। फिर सेकंड आता है सप्लाई एयर रेस्पिरेटर्स, यानी कि उस रेस्पिरेटर में ऑलरेडी जो एयर है वो सप्लाई की रहती है, स्टोर की रहती है एक सिलेंडर के माध्यम से। तो उसमें आता है एयरलाइन रेस्पिरेटर्स। फिर आता है ईबा, यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपैरेटस। ईवा सिलेंडर में एयर को स्टोर किया हुआ रहता है, उसका इस्तेमाल जब भी मान लो कोई गैस लीक हो जाती है और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां से एस्केप होना होता है उस दौरान आपको ईवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईवा का इस्तेमाल आप 15 मिनट तक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है स्काबा, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस। स्काबा में भी एक सिलेंडर होता है जिसमें एयर जो है ऑलरेडी सप्लाई की हुई रहती है और स्काबा का जो यूज़ है वो पर्संस को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है। स्काबा जो है वो 45 मिनट तक आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर्स क्या है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर में हमने देखा कि उसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर और दूसरी होती है सप्लाई एयर रेस्पिरेटर। एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर में हमने देखा था एयर प्यूरिफाइंग डिस्पोजेबल पर्टिकुलेट मास्क, फिर देखा था एयर प्यूरिफाइंग हाफ मास रेस्पिरेटर्स, फिर उसके बाद देखा था एयर प्यूरिफाइंग फुल फेस मास रेस्पिरेटर, फिर देखा था गैस मास्क और फिर उसके बाद देखा था पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स। फिर उसके बाद हमने सेकंड कैटेगरी देखी थी, वो थी सप्लाई एयर रेस्पिरेटर्स। उसमें हमने देखा था एयरलाइन रेस्पिरेटर्स, फिर देखा था ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस और उसके बाद देखा था स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर्स के बारे में पता चल गया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।